इंडियन एम्बेसी को कॉल वगैरह ट्राई करें कि सर हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम लोग को आके आगे बताएं कि हम लोग कैसे क्या हम प्रणोपिन तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए। उन लोगों का इसके लिए कोई भी रेस्पॉन्स नहीं। यूक्रेन में फंसी छात्रा की मोदी सरकार से अपील, देखिए महंगे एयर टिकट और वापसी पर क्या बोली छात्रा। कल ही हमारे आधे से ज्यादा बच्चे और मेरे बहुत सारे ग्रुपमेट्स एंड मेरे बहुत सारे दोस्त की से घर जा रहे थे और वहां पे बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उन लोगों को बीच में रोक दिया गया है, उन लोगों को बीच से ही भेजा गया है। उसके लिए अगर वो लोग इंडियन एम्बेसी को कॉल वगैरह ट्राई करें कि सर हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम लोग को आगे बताएं कि हम लोग कैसे क्या हम प्रणोपिन तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, उन लोगों का इसके लिए कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कह रही है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, तुम लोग बस क्लास आओ। उन लोगों को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है, इवन इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इस सिचुएशन में भी उन लोगों ने एयर टिकट 60-70,000 की हुई है। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी, एक तरीके से चलो ठीक है, जो भी हाई क्लास फैमिली है वो एक बार के लिए पे भी कर दे, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी कैसे 60,000 की ना टिकट करा के वो चले जाए। इस सिचुएशन में जबकि उन्हें हमें इवैक्यूएट करवाना चाहिए, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 20,000 स्टूडेंट्स, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। हमारे देश के फ्यूचर के लिए तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, चलो हम हमारे लिए भी पढ़ रहे हैं, बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा इतना तो सोचना चाहिए ना कि अभी इवैक्यूएशन का चलो आप अगर फ्री नहीं करवा सकते तो प्राइस तो आप थोड़ी कन्वीनियंट कर दो ना, ताकि सबके लिए इजी। वहीं राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार से मांग की कि यूक्रेन में फंसे 20,000 छात्रों की वापसी का इंतजाम किया जाए।